नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में और भी सोलर प्लांट पर काम तेजी से चल रहा है। सोलर प्लांट की मदद से अयोध्या वासियों को बिना बिजली खर्च किए सूर्य देव की रोशनी मिलेगी। अयोध्या में 165 एकड़ में 40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इससे सालाना 70 मिलियन यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। शहर में सड़कों और बाकी जगहों पर सोलर लाइट लगाई गई है और अयोध्या के नाम एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। सूर्यवंशी भगवान राम की ये नगरी अब सौर नगरी बनने जा रही है। अब अयोध्या के हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद सबसे पहले यहां सौर ऊर्जा की मदद से लाइटें लगाई जाएंगी, जिसके बाद सौर ऊर्जा का काम बढ़ाया जाएगा। अयोध्या के दूसरी जगहों पर भी सौर ऊर्जा से रोशनी मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सूर्य से ही बिजली बनेगी। इसकी जो सोलर पैनल पर उसकी सूर्य की किरणें आएंगी, उससे हमारी सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न होगी। बिजली उत्पन्न होकर हमारे छोटे छोटे पैनल्स लगेंगे, उसमें जाएगी, उसके बाद इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर के बाद सीधे हमारे ग्रिड के थ्रू दर्शन नगर ग्रिड में कनेक्ट हो जाएगी। पैनल जो लगते हैं बेसिकली ये बॉटम लेग बोलते हैं, लेग स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर पर पैनल लगते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सारा मटेरियल आ चुका है। बॉटम लेग का काम युद्ध स्तर पर चालू है, आप देख सकते हैं। राम मंदिर में यही काम चल रहा है? नहीं, राम मंदिर के लिए ही काम चल रहा है। किस जगह पे ये सामने चल रहा है? बॉटम लेग चल रही है उधर, सर सामने काम हो रहा है ये। और इस पर जैसे स्ट्रक्चर का काम कम्प्लीट हो जाएगा, उस पर हमारा केबलिंग वर्क चालू होगा। एक्सकैवेशन केबलिंग वगैरह डाल के हम अपना सोलर, फिर उसके बाद सोलर पैनल लगेंगे, फिक्स होंगे। उसके बाद छोटे छोटे पैनल्स आएंगे हमारे। पैनल फाउंडेशन पर लगने के बाद डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर फाउंडेशन पर लग जाएंगे। वो हमारी एमसीआर बिल्डिंग और ये सुचियार बिल्डिंग और ये आपका आईसीआर, ये कम्प्लीट हो चुका है। ग्राउंड लेवल से ऊपर आ चुका है, उनकी एवरीथिंग हो चुका है। हमारा मटेरियल आ चुका है हमारा, तो वो 7 दिन का जो टाइम होता है इसका शूटिंग कम्प्लीट होने का, कास्टिंग करने के बाद वो चल रहा है। उसके बाद हम अपना पैनल इस पर इंस्टॉल कर देंगे। सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है सर। मंदिर के साथ नहीं, हाँ मंदिर के साथ साथ अभी जो प्लान है हमारा 10 मेगावाट का प्लान है चार्ज करने के लिए, ओनली मंदिर को सप्लाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 31 जनवरी तक हमारा पूरी अयोध्या को जनरेट करने का काम है। 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अयोध्या भी सूर्य की किरणों से ही जगमगाएगी। 40 मेगावाट प्लांट लग रहा है, पूरी अयोध्या के लिए कम्प्लीट प्लांट है ये। और भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे भी हम प्लांट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जैसे सरकार भी जमीन मुहैया करा रही है तो उस जगह हम लगाने के और भी तैयार हैं। और भी 20 मेगावाट की बात चल रही है। जिलाधिकारी अयोध्या नितेश कुमार ने बताया कि हमने सोलर प्लांट बनाने के लिए 165 एकड़ जमीन सुरक्षित कर ली है, जिसमें 140 एकड़ जमीन पर हमें कब्जा भी मिल गया है, जहां एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। 40 मेगावाट का पहला प्लांट लगाया जा रहा है। पहली लहर में 10 मेगावाट स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद 40 मेगावाट ऊर्जा बनाई जाएगी। अयोध्या जिले के पार्कों में सोलर प्लांट से संचालित लाइटें भी लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही उत्तर घाट से राजघाट की ओर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि अयोध्या में सौर ऊर्जा से अधिक बिजली पैदा की जाए, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके साथ ही व्यक्तिगत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी योजना और सरकार सब्सिडी योजना का भी लाभ मिलेगा। इसका लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि नितीश कुमार ने आखिर क्या कहा। जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की नगरी अब सूरज से जगमगाएगी। बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पजेशन भी हम लोग का मिल गया है। और इसको रिन्यूअल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहां पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं। और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ लगा भी है। आपका यहाँ सूर्यकुंड में देख सकते हैं, वहाँ भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। जो विभिन्न पार्क्स हैं उसमें भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। सोलर स्ट्रीट लाइट जो गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में लगाया गया है, तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी से एक तो जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी है उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं।